हीरो जैसा तो मुझे रोज दिखना है, बट इतने पैसे कौन खर्च करेगा। ये जैकेट मैंने 4 साल पहले ली थी और मेरे को करीब 2,500 से 3,000 रुपए की पड़ी थी। एंड इट विल डेफिनेटली मेक यू लुक फैशनेबल डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत बेसिक शर्ट है यार। यार हीरो जैसा तो मुझे रोज दिखना है, बट इतने पैसे कौन खर्च करेगा। कपड़े तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन पहनूं क्या यार। फैशनेबल दिखना ठीक है, बट मैं ना ये फंकी वंकी नहीं दिखना चाहता यार। अगर आपको भी यही सारी चीज़ें बॉदर करती हैं तो दिस वीडियो इज मेड फॉर यू। हाय, माय नेम इज़ वैभव केसवानी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो को डालने के लिए। क्या करें, लॉकडाउन के चक्कर में ये माइक नहीं आ रहा था, उसकी वजह से वॉइस क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी। खैर, नाउ दैट वी आर हियर, लेट्स गेट टू दिस वीडियो विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट मेकिंग यू फैशनेबल इन अ वेरी सिंपल वे। और एक और बात, अगली वीडियो इंडियन मेंस स्किन केयर के बारे में है, तो अगर आपको उसकी अपडेट चाहिए हो तो डू सब्सक्राइब। सो दिस वीडियो इज अबाउट फैशन बेसिक्स, और जब मैं कहता हूँ फैशन बेसिक्स, इसका ये मतलब है बेसिक और सिंपल क्लोदिंग जो कोई भी पहन सकता है कभी भी, बट उसमें वो रेगुलर या बोरिंग नहीं लगे बट फैशनेबल लगे। जिसका ये मतलब है कि इसमें ब्लैक्स और वाइट्स के बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज दे आर मोर और लेस एसेंशियल्स यार। वो हर एक की वार्डरोब में होता ही है, वी कैन यूज इट एज एन एड ऑन एलिमेंट बट वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन इट। 3 फैक्टर्स के बेसिस पे हम किसी भी बेसिक को फैशनेबल और ज़्यादा स्टाइलिश दिखा सकते हैं। टू स्टार्ट विद, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज द फिट। नो मैटर विच ब्रांड यू आर वेयरिंग, इफ द फिट इज नॉट राइट, वो कभी भी आप पे फैशनेबल या स्टाइलिश लग ही नहीं सकती। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, अब इस सेकेंड पार्ट में ही वो चीज़ छुपी है जिससे आपका एक्सपेंस भी बचेगा, विच इज द क्वालिटी। सो क्वालिटी इज समथिंग दैट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। अगर आपके कपड़े डल हैं तो वो वैसे ही यार स्टाइलिश या फैशनेबल नहीं लगेंगे। अभी आपके पैसे कैसे बचाती है, इसकी मैं मैथ्स आपको समझाता हूँ। उस टाइम पे जब आप परचेज कर रहे हो तब शायद आपको वो कपड़ा 200, 300, 500 रुपये महंगा पड़ जाए, बट इन द लॉन्ग टर्म फर्स्टली वो ज़्यादा ड्यूरेबल होगा एंड सेकेंडली इट विल नॉट लूज इट्स क्रेज जस्ट लाइक दिस जैकेट। यार ये जैकेट मैंने 4 साल पहले ली थी और मेरे को करीब 2,500 से 3,000 रुपये की पड़ी थी। इसको मैंने इतने फोटोशूट्स, इतने इवेंट्स, एवरीवेयर आई हैव यूज्ड, आई एम यूजिंग इट इन माई यूट्यूब वीडियो एंड आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर अनदर ईयर। जितने टाइम में यूज़ कर सकता हूँ करूँगा। तो अगर मैं 2,500 से 3,000 रुपये की चीज़ 4 से 5 साल यूज़ कर रहा हूँ विथ सेम ग्रेस, सो दैट इज़ वेयर स्मार्टनेस कम्स इन। और आप देख सकते हैं कि ये जैकेट इज इनफ फैशनेबल एंड इज बेसिक। ओके, सो नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच एक्चुअली इज द गेम चेंजर, विच इज द कलर्स। तो अगर आपका फैशन का लेवल यहाँ है तो सिर्फ आपके आउटफिट की कलर स्कीम्स आपको यहाँ से यहाँ लेके जा सकती है। दैट इज द अमाउंट ऑफ डिफरेंस कलर्स ऑफ एनी आउटफिट कैन मेक। बट मेक श्योर कि आप जो भी कलर्स लें वो कभी भी लाउड या बहुत ट्रेंडी नहीं होने चाहिए, बिकॉज ट्रेंड्स आर समथिंग जो आते और जाते रहते हैं, जिससे आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ही होंगे। आप एक बार पहनेंगे, दो बार पहनेंगे, उसके बाद आप नहीं पहनेंगे। व्हाट वी वांट टू इन्वेस्ट इज इन एवरग्रीन कलर्स। नाउ आई विल टेल यू फ्यू कलर्स विच आर वेरी फैशनेबल और उनको कोई भी कैरी कर सकता है। सो नो मैटर व्हाट शेप यू आर इन, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है, देर आर फ्यू कलर्स विच विल डेफिनेटली मेक यू लुक मोर फैशनेबल। फॉर एग्जाम्पल, टैन, ऑलिव, वाइन, मॉव, ग्रे। These 5-6 color combinations are something that you definitely should have in your wardrobe, which are going to make you look exclusive. और सबसे बड़ी बात है कि यार आप इनको comfortably कहीं पर भी और कभी भी पहन सकते हैं। So now, coming to the last point, which is the fourth point, detailing and patterns. For example, इस basic sweatshirt में एक साइड में पैचवर्क्स दे रखा है, एल्बो पैचवर्क्स। Now this elbow patchwork is enough to make you look more fashionable. And one more example, इस शर्ट में, it's a very basic shirt, but this abstract pocket that they have given here, it changes the feel of the shirt and it will definitely make you look fashionable despite the fact कि बहुत basic shirt है यार। So ऐसी चीज़ों के लिए आपको attentive रहना पड़ेगा while you're shopping for your basics next.
All right, moving on to the final segment of the video, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे examples आप अपने t-shirts में, denims, etc. में रख सकते हैं, जिससे आपकी wardrobe basic रहेगी, but fashionable रहेगी. To start with, t-shirts, आप regular round neck t-shirts की जगह, printed t-shirts की जगह, henleys use कर सकते हैं, या फिर v-neck t-shirts, they always look very sexy and fashionable, you can try that for your own. Moving on to the shirts, so yeah, shirt के case में you can add denim shirts. Cuban collar shirts, Chinese collared shirts, solid shirts जो बहुत basic हैं but उनमें elbow patches हैं या फिर abstract pocket हैं जैसे example में मैंने दिखाई. Moving on to denims. Now what I would suggest is अगर आपको basic denims पहनने पसंद है, firstly go for a nice fit. You can opt for a grey denim. When it comes down to a blue denim, try कि एक आप mid-wash blue denim ले सके, ना कि ज़्यादा light blue denim, ना कि ज़्यादा dark, so that you have variety of clothes to wear. And now that summers are approaching, तो आप definitely denims को chinos से replace कर सकते हैं and you're gonna look definitely more stylish and classic. और एक बहुत ही fun element जो आप अपने outfits में add कर सकते हैं ज़्यादा fashionable लगने के लिए, वो है एक denim jacket. Honestly, blue is a very common color in denim jacket, but it looks very sexy. तो अगर आपको बिल्कुल regular taste में रखना है, तो keep it blue. Otherwise, you can go for an olive, you can go for a cream, you can go for a wine. It'll look good. तो यार अब मैं last example देने वाला हूँ shoes का. Shoes are definitely a game changer. अगर आप sneaker head हैं, अगर आपको sneakers पहनने बहुत पसंद हैं, then go for basic sneakers, but उनके colors के साथ ज़रूर खेलिए. For example, olive, navy blue, grey. Trust me, they look beautiful. And अगर आपको और ज़्यादा classic vibe चाहिए, so you can do one thing that I always do, add semi-formal shoes to your casual outfits. For example, brogues, for example, Chelsea boot, moccasins or tassel loafers. Just make sure that they are not too formal. अगर उनमें कुछ आप casual element लेके आ सके, तो do get that. Well, so that was about fashion basics. I hope आपने कुछ ना कुछ knowledge gain करी होगी and this video will make you even more fashionable and stylish. I'll see you guys in the next video. Until then, take care.